हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जैसे ब्लाउज जो है वो आगे के साइड में क्यों झुक जाता है उसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगी, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो का उसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगी। तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारे ब्लाउज़ में जैसे आगे के साइड में ब्लाउज़ क्यों झुक जाता है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब देखिए, जब भी हम ब्लाउज़ सिलते वक्त आपको क्या करना है, जब ब्लाउज़ की जो फिटिंग है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताई है कि फ़िटिंग कैसे करनी है, उस तरीके से आप फिटिंग करोगे तो ये प्रॉब्लम जो है ब्लाउज़ का आगे के साइड में झुक जाना या ठीक से नहीं बैठना, तो ये नहीं होगा। तो इससे आपकी फ़िटिंग जो है वो परफेक्ट आएगी, तो आपका ब्लाउज भी एकदम परफेक्ट आएगा। अब देखिए, कभी कभी क्या हो जाता है, ये शोल्डर पे शोल्डर नहीं आते, वो आगे के साइड में आ जाते हैं, आधा या पौन इंच आगे के साइड में आ जाते हैं। तो आधा या पौन इंच आगे के साइड में आने से क्या हो जाता है, जो बैक साइड होती है ये ऊपर के साइड में चली जाती है, ये बैक साइड ऊपर के साइड में चली जाती है। और हमें जैसे ब्लाउज़ की लंबाई जो है वो ज़्यादा लेंगे, यानी 14-15 इंच लेंगे, तो भी हमारे ब्लाउज़ की लंबाई जो है वो जैसे हमें कम लगती है। और आगे के साइड में जैसे ब्लाउज़ ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पर आगे के साइड में भी ये ब्लाउज जो है इस तरह से आगे के साइड में ये फोल्ड हो जाता है। तो इसीलिए इसको आपको ध्यान देना है, जब भी आप ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं या स्टिचिंग करते वक्त भी आपको बहुत सारी ध्यान रखना पड़ता है। इससे क्या हो जाता है, जब भी हम सिलाई का काम करते हैं तो आपको क्या करना है, पहले शोल्डर जब हम ज्वाइन करते हैं तब आपको चेक करना है गला, ये एकदम परफेक्ट है कि नहीं। जब आगे के साइड में ब्लाउज़ आता है तब आपका जो ब्लाउज़ है ये भी आपका जैसे ढीला होगा कमर में या चेस्ट में, तभी भी आपका ब्लाउज जो है वो ठीक से फिटिंग नहीं बैठती। कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे बैक साइड में हम ब्लाउज़ की जो टक्स पॉइंट होते हैं वो कम लगाने के कारण भी यहाँ पे आपकी जो यहाँ जो फिटिंग होती है कमर की, पहनने के बाद ये ब्लाउज़ जो है वो इस तरीके से ऊपर के साइड में फोल्ड हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए आपको क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए, यहाँ पे जो बैक साइड के जो टक्स पॉइंट होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है हम फ्रंट्स का टक्स ही देखें, यहाँ पर हमारे जो बैक साइड में टक्स पॉइंट आते हैं उनका भी देखना चाहिए। इससे क्या हो जाता है, जब हमारा ब्लाउज जो है आगे के साइड में झुक जाता है, तो आपको पहले चेक करना है आपकी ब्लाउज़ की फ़िटिंग एकदम परफेक्ट है कि नहीं। आपके ब्लाउज़ की फ़िटिंग एकदम परफेक्ट होगी तब भी आपका ब्लाउज जो है गिरता होगा, या आपके शोल्डर ठीक से शोल्डर के ऊपर नहीं बैठते हैं, तब आपको क्या करना है, ये जो टक्स पॉइंट होते हैं बैक साइड के जो टक्स पॉइंट होते हैं इसकी लंबाई बढ़ानी है। और जब हमारा ब्लाउज जो है इस तरह से ऊपर के साइड में चला जाता है, ऊपर ये हो जाता है जैसे फोल्ड होता है या ऊपर निकलता है, ये फिटिंग जो है वो ठीक से नहीं बैठती, तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई जो है वो भी बढ़ानी है, जो टक्स पॉइंट की चौड़ाई होती है उसको भी बढ़ाना है हल्का सा, और इसकी लंबाई जो है वो भी बढ़ानी है। इससे क्या हो जाता है, जैसे हम डिप गला बनाते हैं, डिप गला बनाने के बाद यहाँ पे हमारे टक्स पॉइंट यहाँ आते हैं, तो ये ब्लाउज इस तरह से गला जो है खींचा हुआ लगता है, तो इसके बीच में जो गैप रहता है, तो यहाँ पर आप प्लेट डालेंगे, ये जो प्लेट आप डालोगे तो यहाँ पर आपकी बैक साइड की जो फिटिंग है वो भी अच्छे से आ जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, जैसे बैक साइड का जो ये बैक की जो फिटिंग है वो भी अंदर के साइड में इस तरह से ऊपर नहीं जाएगी, और यहाँ पे आपके शोल्डर जो है वो भी अच्छे से बैठेंगे, और यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्रंट साइड जो है वो भी इस तरह से नहीं होगी। तो इसको आपको क्या करना है, जब भी आपका ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट फिटिंग है या शोल्डर आपके एकदम परफेक्ट बैठते हैं फिर भी आपके ब्लाउज जो है वो आगे के साइड में झुक जाता है, तो इसको आपकी जो जितनी भी आपके टक्स पॉइंट की लंबाई होगी उसको आपको आधा या 1 इंच बढ़ानी है। जैसे नॉर्मल जो टक्स पॉइंट की लंबाई जो होती है वो हम जैसे 4, 4.5, 5 इंच पर रखते हैं, वैसे आपका ब्लाउज़ की लंबाई ज़्यादा होगी और जो गला भी डीप होगा, तो यहाँ पे आप 6 इंच पे भी टक्स पॉइंट जो है 6 इंच या 6.5 इंच पे भी, लंबाई ज़्यादा होने के कारण आप 6 या 6.5 इंच पे भी इसके टक्स पॉइंट की जो लंबाई है वो बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पर आपकी जो चौड़ाई है वो भी आप हल्की सी बढ़ा सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी कमर की फिटिंग भी एकदम परफेक्ट आएगी, यहाँ पे गले की जो फिटिंग है वो भी परफेक्ट आएगी, और आपका ब्लाउज जो है वो आगे के साइड में नहीं झुकेगा। तो इस तरीके से आप ध्यान दोगे तो आपका ब्लाउज जो है वो परफेक्ट आएगा।
तो इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा, जो भी आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। जैसे भी मेरे से एडजस्ट होगा वह मैं आपको एक एक वीडियो करके आपको अपलोड करूँगी। तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।